जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, लेकिन फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप घर के वाद विवाद, घर के झगड़ों और गृह क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं मोरपंख और बांसुरी का प्रयोग करके। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन आपका गृह क्लेश और आपके घर के झगड़ों को बांसुरी और मोरपंख से आप बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। यूं तो बांसुरी और मोरपंख के अलग अलग उपाय हमने आपको समय समय पर बताए हैं, लेकिन आज शास्त्रों में इसका क्या महात्म्य है, क्या भूमिका है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। हमारा घर जो होता है वह एक तरीके से मंदिर होता है। अगर वहां परिवार ना हो और अपनत्व की भावना ना हो तो वो ईंट गारे से बना हुआ एक मकान और एक ढांचा ही रह जाता है। यदि उसमें रहने वाले सदस्य रोज ही आपस में झगड़ते ही रहेंगे तो यह मंदिर जो है अपवित्र होने लगता है, इसकी ऊर्जा जो है वह अशुभ होने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, घर में झगड़े और वाद विवाद होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण जो है वह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना होता है। वह नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है, अशुभ चीजों के साथ प्रवेश कर सकती है। घर के खुले होने पर, घर के आसपास कुछ अशुभ ऊर्जा होने से वो ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तो इसके कई सारे स्रोत, कई सारे कारण हो सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कैसे हो, ये प्रश्न उठ जाता है। इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सरल उपाय और कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण और बढ़ेगा और आपका घर फिर से एक बार मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। संगीत के कई सारे वाद्य यंत्र वास्तु दोषों को दूर करते हैं। ये बात आपको सुनकर के थोड़ी सी अचंभे में जरूर डाल सकती है कि किस तरीके से वाद्य यंत्रों को आप अपने घर में रख करके वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। आपने फेंगशुई में इसी तौर पर देखा होगा कि विंड चाइम, जिसे हम पवन घंटी बोलते हैं, उसको दरवाजे के आसपास या किसी ऐसी जगह के आसपास लगाते हैं जहां से शुद्ध ऊर्जा का संचरण होता रहे। जब वो उसके माध्यम से निकलती है, उससे जब वो मधुर सुमधुर ध्वनि निकलती है तो ऊर्जा अपने आप ही शुभ हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे वैदिक वास्तु शास्त्र में बांसुरी का बहुत ज्यादा महात्म है। यदि आप अपने घर में बांसुरी को रखते हैं तो आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, किसी भी घर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है। इसी प्रकार से यदि आप बांसुरी का प्रयोग करें तो घर के बड़े से बड़े दोषों को दूर किया जा सकता है। खासतौर पर बीम के दोषों को दूर करने के लिए मैंने कई बार आपको बांसुरी का प्रयोग बताया है। यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र रही हुई है। इसे शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह
प्राण वायु प्रदान करने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होती है, इसीलिए इसे वास्तु दोष निवारक भी कहा गया है। भवन में, आपके घर में जहां कहीं भी वास्तु दोष हो, वहां बांसुरी का उपयोग करना और उस उपयोग के माध्यम से वास्तु दोष को दूर करना बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय है। यहां पर ध्यान आपको ये देना होगा कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से ही लाभ मिलता है। उसको तिरछा इसलिए रखते हैं जिससे उसमें से वायु का संचरण आसानी से हो सके। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए। बांसुरी के कुछ लाभदायक और भी प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको भी अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मोरपंख से जुड़े हुए भी कुछ लाभकारी प्रयोग हैं, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मोरपंख को अगर आप घर के अंदर हाथों से ऊपर की नीचे की तरफ फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर के अंदर से बाहर चली जाती है, वह दोष दूर हो जाता है। बांसुरी सौभाग्य और ऐश्वर्य का सूचक है, इसे आप घर में थोड़ा तिरछा करके किसी भी दिशा में लगाएं तो आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने में, संचरण कराने में, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि में काफी अच्छा लाभ और सहयोग मिल सकता है। घर के फर्श पर अगर नमक के पानी का पोछा लगाएं और दक्षिण पश्चिम के कोण के अंदर में अलमारी के ऊपर आप अगर किसी पात्र में नमक का ढेला रख देते हैं तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि नमक के इन ढेलों को 4-5 दिनों के अंदर अंदर आप बदलते रहें, इसको बहुत समय तक यूं ही पड़े नहीं रहने देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको बाहर की तरफ भगवान गणेश की एक प्रतिमा, एक कोई मूर्ति या छोटा सा फोटो या चित्र अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो चांदी का एक स्वास्तिक भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं, तो इससे भी आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है वह बंद हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां लगातार आपके घर के अंदर आ रही हैं वह दूर हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि वास्तु के 75% दोष जो हैं स्वास्तिक को लगा देने से दूर हो जाते हैं, और इन स्वास्तिक को आपको सिर्फ यूं ही लगाना नहीं है, समय समय पर आपको उनको धूप दीप भी दिखाते रहना है, उनको पूजा करके उसको ऊर्जावान और जागृत भी रखना है, चार्ज करते रहना है। मकान के मुख्य द्वार के आगे शौचालय यानी मेन एंट्रेंस के आसपास कोई टॉयलेट या रसोई घर का दरवाजा होना या मुख्य द्वार की दीवार के आगे कोई खंभा होना, किसी भी तरीके का कोई अवरोध होना वह ठीक नहीं माना जाता है। अतएव आप घर बनवाने से आपको इन चीजों का, जब आप निर्माण कर रहे हो तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता है तो सिरहाने बांसुरी को लेकर के सोने से जातक को लाभ मिलता है। इसी प्रकार यदि घर में कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है, बीमारी आपका घर नहीं छोड़ रही है, तो उस कमरे के प्रवेश द्वार पर और उस व्यक्ति के सिरहाने बांसुरी का उपयोग अवश्य करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। यदि आपको व्यापार और नौकरी में लगातार असफलता मिल रही है या मेहनत के अनुसार भी फल ना मिल पा रहा हो तो अपने कमरे के द्वार पर आप दो बांसुरी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि घर में धन की आवक रुक गई हो या घर में खर्च बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गया हो तो भगवान कृष्ण की बांसुरी जो है वह आप भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा स्थान में सोने की, चांदी की या एक लकड़ी की बांसुरी आप भगवान श्री कृष्ण को विधिवत पूजन करके अगर समर्पित करते हैं, किसी शुभ दिन लाल वस्त्र में लपेट करके उस बांसुरी को आप अपने घर में ला करके रखते हैं तो इससे भी आपको आपके परिवार में जो आर्थिक समस्या बनी हुई है उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। यदि घर में आकस्मिक परेशानियां निरंतर आ रही हैं तो ड्राइंग रूम में क्रॉस के आकार में दो बांसुरियां आपको अवश्य लगानी चाहिए, इससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। जिस घर में नित्य कुछ देर के लिए बांसुरी की ध्वनि गूंजती है वहां सुख शांति बनी होती है और अशुभ शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। यदि बेड या डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर बीम आ रही हो तो रिश्तों में अलगाव की स्थिति बनने लगती है, इसीलिए ऐसे बीम के दोनों तरफ के कोने वाले हिस्सों पर लाल धागे या लाल रिबन से बांध करके दो बांसुरियां लगा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्म का प्रतीक मानी जाती है।
मुरली वास्तव में पूरे पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माँ सरस्वती जी ही थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर के कृष्णावतार में उन्हें अपनी सहचरी बनाने का वरदान दिया था, जो माँ सरस्वती को ये वरदान प्राप्त था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो जड़ यानी बांस के स्वरूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ स्वरूप में ही जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के स्वरूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन पाई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अपने अधरों से लगाए रखते हैं। और ये मुरली जो है, ये बांसुरी हमें ये सीख देती है कि भले ये बांस की ही क्यों ना बनी हो, इसके अंदर कोई गांठ नहीं होती। तो हमारे मन में भी किसी प्रकार की कोई गांठ ना रह जाए, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार सदैव मधुर बने रहें, यही उपदेश देना हमारा भी कर्म है, हमारा धर्म है। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।